नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। क्या नाम है आपका? राम राज जी। कहाँ के निवासी हैं? विंध्याचल निवासी, त्यारीपुर के हैं जी। कल यहाँ पे जो नाव डूबी थी, क्या है पूरा मामला? मामला ये है सर, जैसे इस पार से यात्री गए उस पार नहाने के लिए, वापसी में आते समय नाव पर बैठे सवार, जब कितने लोग सवार थे? 12 लोग सवार थे, 2 चालक थे, एक फोटोग्राफर था, एक नाव वाला था। बीच में आई नाव, ऐसे डूब गई। वहाँ पर मैं बैठा था अपने मल्लैया घाट पर, वहाँ से मैं तत्काल नाव को खोल दिया। जैसे ही आपने देखा? हाँ, तत्काल तुरंत जो है तत्काल खोल दिया, नाव खोल के ले गया, 5 लोग को अपने नाव पे लाद के आया और तुरंत यहाँ विंध्याचल SSI को वहाँ बताए, फोन कर दिए। 5 लोगों को आपने बचा लिया? जी सर। और पता चल रहा है कि 6 लोगों को बचाया गया है? हाँ सर, बचा लिया। एक सूरज, जो सूरज मल्ला नहीं, एक वो लड़का बताया था, 5 लोग को हम निकाल के लेके आए थे। बाकी जो डूबे हैं, तो क्या उनका आज कुछ पता चला? नहीं सर, आज तो पता नहीं चला, काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक लाश मिला है मिर्जापुर के पास, पुल के पास। हाँ सर। सर, विंध्याचल में जो नाव पलटी है, 6 लोग डूबे हैं, आप आए हैं, सर्च कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट निकला? हम लोग कल से ही यहाँ रखे हैं और हम लोग प्रशासन दोनों मिलके सर्च कर रहे हैं। रिजल्ट में आज एक बच्चा 2.5 साल का था, जिसको खोजा गया है, वो मिल गया है। बाकी सर्च अभी जारी है। किस जगह मिला सर? वो यहाँ घटनास्थल से अप्रोक्स 10-11 किलोमीटर दूर वो बच्चा मिला था। सर, एक नाव भी डूबी है, क्या उसका क्या पता चला? उसका भी सर्च किया जा रहा है, जैसे ही मिलेगा आप लोग को बता दिया जाएगा। क्या उम्मीद किया जाए सर? उम्मीद तो क्या, हम लोग लगे हुए हैं, उम्मीद तो पॉजिटिव ही सोचना है, निगेटिव तो नहीं हम लोग भी सोचते हैं। सर, आपका परिचय? इंस्पेक्टर GD मिथिलेश कुमार, 11th NDRI वाराणसी। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन यानी घंटी को दबाएं। धन्यवाद।